हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शशि रानी स्केच बुक। फ्रेंड्स, आज मैं स्केच में कुछ अलग करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी तक सारे पेंसिल आर्ट ही वर्क कर रही थी, और तो मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई किया जाए। और अलग ट्राई करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ अलग ट्राई नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो ऐसे ही अपनी मैंने सोचा मैं भी आर्ट में कुछ अलग ट्राई करती हूँ। तो मैं देखो वाटर कलर लेकर आई थी, अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। तो ये है कैमल के आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर। तो फ्रेंड्स, मैं इसे आज फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ अच्छा बना सकूँ। और आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने जो स्केच बनाया है वाटर कलर से वो कैसा है। तो मैं इसे आज पेंटिंग बनाने वाली हूँ, और ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले कभी वाटर कलर यूज़ नहीं किए। हाँ, मैंने एक दो पेंटिंग बनाई है एक पेंसिल कलर से, और एक पेंटिंग बनाई है मैंने वो जो बच्चे यूज़ नहीं करते रंगीला के 20 रुपीज़ के आते थे वो वाले कलर, उससे बनाई थी मैंने। अब मुझे नहीं पता कितने के आते हैं, लेकिन जब मैंने बनाई थी तो आई थिंक 20 रुपए के थे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको वो वाली पेंटिंग भी दिखाऊंगी जो मैंने बहुत पहले बनाई थी। और आज मैं ये एक्रिलिक कलर यूज़ करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। और फ्रेंड्स, आप मुझे बताना जो मैं पेंटिंग इन कलरों से बनाऊँगी वो कैसी है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए तो हम पेंटिंग बनाते हैं। और ये मैंने कलर लिए हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको इसमें लिखा है 18 कलर। फ्रेंड्स, ये देखो इसमें 18 कलर हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें दो कलर एक्स्ट्रा हैं, और चलो यूज़ करते हैं। मैंने यूज़ तो कभी नहीं किया है, और हाँ, मैंने जो पेपर लिया है पेंटिंग बनाने के लिए ये तो कलर हैं, और जो मैंने पेपर लिया है ये नॉर्मल पेपर है फ्रेंड्स। ये आई थिंक 4 या 5 रुपए का एक पेपर है, मैं ब्लैक पेपर लेकर आई थी। तो ये नॉर्मल ही है, बिल्कुल मतलब बहुत ही पतला सा है और नॉर्मल पेपर है, तो ये कहीं भी मिल जाएगा आपको। तो मैं इस पे नॉर्मल पेपर पे ही पेंटिंग बनाऊंगी आज, और फिर आप बताना कैसी बनी है। चलो ट्राई करते हैं, बनाते हैं पेंटिंग। तो फ्रेंड्स, ये है पेपर, ये है कलर, और ये है फ्रेंड्स, ये खाने के लिए नहीं है, ये कलर मिक्सिंग के लिए है। तो मैं प्लेट ही लेकर आ गई, तो मैं अब इसमें कलर मिक्सिंग करूँगी जो भी मुझे चाहिए होंगे। और ये है मेरे ब्रश, देखिए है आपके सामने टाइम, और पानी की बोतल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ के साथ पानी पीना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो टाइम रखते हैं इधर, प्लेट इधर, और वाटर कलर। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। Thank you.
मेरी वाटर कलर पेंटिंग तैयार हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और मैं कल तो नहीं कर पाई पूरा उसको कंप्लीट, लेकिन हाँ मेरी आज पूरी हो गई। और लेकिन फ्रेंड्स से मेरी कंप्लीट इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे ना घर के भी बीच में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए टाइम मतलब नहीं इतना नहीं मिल पाता, तो मैंने आज पूरी कर ली नेक्स्ट डे। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी पहली वाटर कलर पेंटिंग कैसी लगी है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।